नमस्कार, मैं हूँ रेनु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसके पी लाइव न्यूज़। 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसी में से एक धार की बदनौर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि जो वन मंत्री, पूर्व वन मंत्री उमंग सिंगार हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था जो कि 50 करोड़ रुपये का ऑफर उन्हें भी दिया गया था, ऐसा उन्होंने बताया। इस बयान ने जो है पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में हलचल बढ़ा दी है। वही जो उनके कई बयान जो जब कोरोना के बाद से आ रहे हैं, तो उन्हीं में से एक ये जो बयान है उससे सरगर्मियाँ बढ़ गई है। उन्हीं से जानते हैं कि उनको 50 करोड़ का ऑफर किसने दिया था। देखिए, ऐसा है कि जब सरकार जा रही थी, जब बेंगलोर सबको चार्टर से भेजा जा रहा था, उस समय सिंधिया जी से मुलाकात हुई। सिंधिया जी ने स्पष्ट कहा कि आपका कांग्रेस में अब क्या भविष्य है, आइए आप भी, मेरी भाजपा से बात हो गई है, आपको भी 50 करोड़ रुपये मिलेंगे, मंत्री पद भी मिलेगा। तो मैंने स्पष्ट कहा उन्हें कि मैंने अवसरवादी राजनीति नहीं करता हूँ महाराज। मैंने कहा जिस परिवार से हूँ, जमुना देवी के उस परिवार से हूँ, कांग्रेस के साथ वो हमेशा रही आखिरी दम तक। मैं भी स्पष्ट राजनीति करने में विश्वास रखता हूँ। आपके रास्ते अलग हैं, मेरे रास्ते अलग। ये थे उमंग सिंगार। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वो जमुना देवी के वंशज हैं, वो इस तरह की राजनीति कर नहीं करते, और उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। मैं हूँ रेनु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसके पी लाइव न्यूज़। प्रकार से सरकार गिराने की साजिश थी, जिस प्रकार सिंधिया जी ने सबको चार्टर प्लेन में ले गए, उस समय मेरी उनसे चर्चा हुई, उन्होंने मेरे से बात करी, बुलाया और स्पष्ट कहा कि भई आप उमंग, आपको मेरी भाजपा से बात हो गई और आप कांग्रेस पे कोई भविष्य नहीं, आप आ जाइए, आपको 50 करोड़ की व्यवस्था करा देंगे और मंत्री पद आपको दे देंगे। लेकिन मैं आपसे यही उनको कहा है कि मैंने क्या महाराज, मैंने क्या सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता रहा, जमुना देवी जी की उस परिवार से हूँ, आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है, मैं अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। बी डी शर्मा जी कल से बोल रहे हैं कि भाजपा इस प्रकार के कृत्य नहीं करती है, तो जितने विधायक गए ये सामने स्पष्ट है कि बगैर पैसे की नहीं गए, बगैर मंत्री पद की नहीं गए, ये तो बी डी शर्मा जी बताएं। और मैं तो खुद कहता हूँ कि अभी भी अगर लोधी गया है तो उसको भी आपने प्रलोभन दिया, तो आप तो बी प्लान में लग गए, आपको सरकार जाते हुए दिख रही है, हवा बदल गई है, तो आप बी प्लान के अंदर वापस से विधायक खरीद में लग गए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप पहले अपना खुद का गिरेबान देखें, उसके बाद आप आरोप की बात करें। आयोग ने कमलनाथ जी को रोक लगाई, कमलनाथ जी पर जबकि कई विवादित शब्द बीजेपी पार्टी में बोले गए, इन पर रोक नहीं लगाई। देखिए, आपको पता है कि किस प्रकार से कठपुतली के रूप में आयोग भी खेल रहा है और भाजपा सरकार उसका कैसे दुरुपयोग कर रही है, सरकार का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। यह आपको बदनावर भी देखने को मिल रहा, कई क्षेत्रों पर भी देखने को मिल रहा। तो ठीक है, कमलनाथ जी पे रोक लगी, लेकिन रोक से फर्क नहीं पड़ता, अब तो ये हवा बन चुकी, आंधी बन चुकी, अब कांग्रेस का आना तय।